जब भी हम बाइक कार या कोई व्हीकल खरीदते हैं तो हमेशा ये ज़रूर पूछते हैं कि ये कितना माइलेज देता है, उसमें तेल की कितनी खपत होती है। एक वक्त था जब सिर्फ अमीर लोग हवाई यात्रा करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। समय के साथ साथ ज़रूरतें भी बदल गई हैं, हवाई यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। हवाई जहाज से यात्रा करना सबको पसंद है और अधिकतर लोग आजकल इसका उपयोग कर रहे हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से और कम समय में पहुंचा देता है। हवाई जहाज में बाकी व्हीकल की तरह ही ईंधन का इस्तेमाल होता है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज 1 लीटर में कितना माइलेज देता है या 1 लीटर ईंधन में ये कितना चलता है? हवाई यात्रा करते समय क्या आपके मन में भी ये सवाल कभी आया है? अगर हाँ, तो आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं 1 लीटर ईंधन में हवाई जहाज कितना माइलेज देता है। आखिर इतना भारी और बड़ा हवाई जहाज 1 किलोमीटर चलने में कितना ईंधन का इस्तेमाल करता है, यह जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। हम सब जानते हैं कि अधिकतर बाइक या कार 1 लीटर में 10 से 80 किलोमीटर की माइलेज देते हैं, लेकिन जितना बड़ा वाहन होता है उसकी ईंधन की खपत भी उतनी ही ज्यादा होती है। अब जैसे बोइंग 747 हवाई जहाज की बात करें तो ये विमान प्रति सेकंड में लगभग 4 लीटर ईंधन खर्च करता है, यानी 1 मिनट की यात्रा के दौरान लगभग 240 लीटर ईंधन खर्च कर देता है। बोइंग की वेबसाइट के अनुसार बोइंग 747 लगभग 5 गैलन प्रति मील 12 लीटर प्रति किलोमीटर ईंधन की खपत करता है, यानी बोइंग 747 विमान 1 किलोमीटर में लगभग 12 लीटर ईंधन का इस्तेमाल करता है। इसका मतलब कि 1 लीटर में ये विमान 0.8 किलोमीटर चलता है। यह विमान 12 घंटों के सफर के दौरान लगभग 172,800 लीटर का ईंधन खर्च करता है। बोइंग विमान में लगभग 500 यात्री सफर कर सकते हैं और इसकी औसत स्पीड 900 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। अब एक और विमान की बात करें तो बोइंग 737-800 विमान दुनिया की एयरलाइनों के बीच आमतौर पर और व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। प्रति घंटे लगभग 4.88 गैलन यानी लगभग 18.47 लीटर ईंधन जलाता है और 515 मील प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कराता है। देखा जाए तो अधिकतर विमान प्रति घंटे लगभग 3200 लीटर ईंधन की खपत करते होंगे। आइए कुछ और उदाहरणों से और समझते हैं। अगर बोइंग 747 1 किलोमीटर में 12 लीटर ईंधन खर्च करता है, यानी 500 यात्रियों को 12 लीटर ईंधन में 1 किलोमीटर का सफर कराएगा ये विमान। देखा जाए तो 1 किलोमीटर में प्रति व्यक्ति पर सिर्फ 0.024 लीटर ईंधन खर्च होगा। आइए बोइंग 747 के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को देखते हैं। बोइंग 747 विमान एक विशाल व्यवसायिक विमान और कार्गो परिवहन विमान है, जिसे जंबो जेट या आसमान की रानी के उपनाम से जाना जाता है। यह विमान विशाल आकार वाला सबसे पहला विमान था। इस विमान में 4 इंजन है और यह यात्री, मालवाही और अन्य संस्करणों में उपलब्ध है। इसने अपनी पहली उड़ान 9 फरवरी 1969 को भरी थी। हम उम्मीद करते हैं कि अब आप जान गए होंगे कि 1 लीटर में हवाई जहाज कितना माइलेज देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अन्य सामान्य ज्ञान वीडियो को देखने के लिए जागरण जोश वेबसाइट पर विजिट करें।